मैं डॉक्टर वानी मेहता, इन्फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट मदरहुड आईवीएफ सेक्टर 43 चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर्स, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बावजूद प्रेगनेंसी ना होना। इसके कई कारण हो सकते हैं, कई पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फीमेल एज मोर देन 35 ईयर्स, स्मोकिंग, हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल इनटेक, यानी कि पेशेंट किसी भी तरह से स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करता हो, इसमें ओसाइट क्वालिटी यानी कि जो एग क्वालिटी है वो कम हो जाती है, हस्बैंड स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हों तो स्पर्म काउंट, मोटिलिटी एज वेल एज मॉर्फोलॉजी, जो कि नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ स्पर्म्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं। ऐसे केस में जो भी हमारे पास आईवीएफ से एम्ब्रियो बनता है उसकी भी क्वालिटी इम्पैक्ट होती है, बोथ क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज और जेनेटिकली। एग क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि पेशेंट को पीसीओएस हो या फिर एंडोमेट्रियोसिस हो या किसी कारणवश जो हमें एग्स डिट्रीव हुए हैं स्टिमुलेशन के बावजूद वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं हों। स्पर्म क्वालिटी कम हो सकती है इन पेशेंट्स में, या तो जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर वैसे ही ड्यू टू हैबिचुअल चेंजेस या फिर ड्यू टू लाइफस्टाइल कंडीशंस इनमें कोई ना कोई एग या स्पर्म रिलेटेड पेशेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारणवश जो एम्ब्रियो बन रहा है वो भी ठीक से नहीं ग्रो कर रहा। एम्ब्रियो में कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिविजन, यानी जब एम्ब्रियो दूसरे या तीसरे दिन पे डिवाइड कर रहा है उस समय उसमें कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ा, या फिर यदि प्रेगनेंसी होने के लिए आगे बढ़ गया तो अंदर जाकर यूट्रस में अटैच नहीं हुआ। यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि यूट्रस की लाइनिंग ठीक से नहीं बन रही हो। अगर लाइनिंग बन रही हो तो यूट्रस की लाइनिंग में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं पहुंच रहा हो जो कि एम्ब्रियोस या भ्रूण को अच्छे से पकड़ पाए। यूट्रस में या तो कोई फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं या पॉलिप हो सकता है या बहुत ज़्यादा एडहीजन्स यानी कि चिपचिपाहट हो सकती है जिससे कि भ्रूण को चिपकने के लिए जगह नहीं मिलती और अच्छे से इम्प्लांट नहीं हो पाते। कई बार कई ब्लड में चेंजेस होती हैं, जैसे कि थ्रोम्बोफिलियास, एप्ला, जिसमें पेशेंट की जो बॉडी है वो नेचुरली अपनी इम्यूनिटी के जरिए एक्सेसिव ऑटो एंटीबॉडीज बनाती है और जो पनप रहा भ्रूण है उसको नष्ट कर देती है जिससे कि इम्प्लांटेशन नहीं होता। ये सभी कारणों का जो तोड़ है ये एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट ही आपको दे पाते हैं। अगर आपके पास किसी भी कारणवश रिपीटेड आईवीएफ या रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर्स आपको फेस करने पड़े हैं तो आई अर्ज कि आप एक बार हमारे पास आए और हम अच्छे से इवैल्यूएट करके अच्छे से इंडिविजुअलाइज तरीके से आपका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।